शख्स मैंने सही रास्ते पे चलने की तो बहुत कोशिश की, लेकिन हमारे पॉटहोल्स इतने ज्यादा हैं रोड्स पे कि मैं वो कर ना सका। मेरी छोड़ो, मेरी गाड़ी इतनी ठोकर खा चुकी है कि वो भी हार मान चुकी है। लेकिन एक सवाल है कि हमारे रास्ते ठीक कब होंगे? ऐसा नहीं है कि इनकी मरम्मत की नहीं जाती, लेकिन फिर भी बार बार टूट जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? मैं बताता हूँ। दरअसल हमारे रोड्स तीन तरीके के हैं। एक होता है बिटुमिन का रोड, कंक्रीट के रोड और पेवर्स के रोड। तीनों में कुछ ना कुछ खामियां हैं। बिटुमिन के रोड हर 2-3 साल में रिपेयर करने पड़ते हैं, बहुत बार दोबारा बनाने पड़ते हैं। कंक्रीट के रोड्स 2 से 3 गुना एक्सपेंसिव होते हैं और पेवर्स बहुत हाई मेंटेनेंस है, और साथ में इनको बनाने में बहुत कार्बन एमिशन होता है जो हमारे एनवायरमेंट के लिए काफी हानिकारक है। तो ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो सस्टेनेबल हो, सस्ता हो और मेंटेनेंस फ्री भी? अब है ना, हम लेके आए हैं 140 करोड़ देशवासियों के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट जो उनके डेली के कम्यूट को आसान बनाएगा। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है सौरभ। मेरा नाम है डॉक्टर प्रताप, हम हैं फाउंडर्स ऑफ पॉटहोल राजा। हम लेके आए ग्रिडमैक्स। ग्रिडमैक्स एक ऐसा इनोवेटिव प्रोडक्ट है जो 100% रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट से बना है, और इसे यूज करके हम रोड्स, फुटपाथ्स, वेयरहाउस फ्लोरिंग्स बनाते हैं। ग्रिडमैक्स सिर्फ एक सस्टेनेबल अल्टरनेटिव ही नहीं, ये मेंटेनेंस फ्री और सबसे इम्पोर्टेंट, ये ट्रेडिशनल रोड्स के मुकाबले कॉस्ट 25% कम हो जाता है। और ये कॉस्ट रिडक्शन हम अचीव करते हैं हमारे यूनिक हनीकॉम्ब डिजाइन से। हनीकॉम्ब यानी मधुमक्खी के छत्तों से इंस्पिरेशन लेके हमने ये बनाया है। जहाँ ट्रेडिशनल रोड्स 400 से 450 mm की थिकनेस के होते हैं, हमारे रोड्स सिर्फ 200 से 250 mm की थिकनेस के ही होते हैं। हम कम मटेरियल यूज करके तगड़े रोड्स बनाते हैं। एक और इम्पोर्टेंट फीचर, हमारा मैट इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये एक 400 टन के बोइंग 747 का भी वेट उठा सकता है। Nice. जब हमने हमारा कंपनी स्टार्ट किया था, हमारा फोकस था सिर्फ पॉटहोल फिक्स करने के लिए, लेकिन हमारा जो रियलाइजेशन हुआ, सिर्फ करेक्टिव मेंटेनेंस नहीं होता है, उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ही सॉल्यूशन है। इसलिए हमने बहुत रिसर्च किया और ग्रिडमैट का एक आविष्कार प्रोजेक्ट्स रोड कंस्ट्रक्शन के लिए किया था। आज हम ग्रिडमैट्स यूज करके पूरी के पूरे रोड के कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स उठाते हैं। हम ग्रिडमैट्स को पूरी दुनिया तक लेके जाना चाहते हैं और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एक क्रांति लाना चाहते हैं। शार्क्स, हमारा आस्क है 5 करोड़ फॉर 2% इक्विटी। तो शार्क्स, क्या आप ग्रिडमैट्स के साथ इको फ्रेंडली रास्ते पे चलने के लिए हमारे साथ तैयार हैं? क्यों मांगे 250 करोड़? जितने पॉट होल्स उतनी वैल्यूएशन। सीरियसली मैं पूछ रहा हूं, 250 करोड़ के वैल्यूएशन कैसे मांग सकते हो? जो मार्केट साइज है और जहां अभी हम करेंटली स्टैंड करते हैं, 100 करोड़ का रेवेन्यू है। पिछले साल हमने करीब 10 करोड़ का रेवेन्यू किया था। उसके बाद हमारा रेवेन्यू थोड़ा ड्रॉप हुआ था क्योंकि हमारे ग्रिडमैट्स में हम R&D कर रहे थे। करीब 4.5-5 करोड़ का रेवेन्यू हमने किया था, और इस साल भी हम करीब 5 से 6 करोड़ के आसपास में क्लोज करने वाले हैं। तो आपका रेवेन्यू 50% गिर गया, बट वैल्यूएशन इज 250। करेक्ट। हमारे पास एक्चुअली बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है जिसमें सिर्फ कुछ R&D और कुछ सर्टिफिकेशंस के कारण हमें बड़े प्रोजेक्ट्स जो है अभी हमें नहीं मिल रहे हैं, और क्लाइंट्स आर विलिंग टू वर्क विद अस। अभी अगले साल जो हमारा प्रोजेक्शन है, अगर हम वो सर्टिफिकेशन हमारा जो मिल जाता है जिसके लिए हमारा आस्क है, तो हमारा रेवेन्यू यहाँ से 40 से 50 करोड़ का एनुअल हो जाएगा। उसके बाद का जो हमारा प्रोजेक्टेड रेवेन्यू है, दैट विल बी क्रॉसिंग 100 करोड़। और हम इस बिजनेस में करीब अभी 6 साल से हैं, और हमारा पूरा का पूरा मार्केट रियल स्टेट में है। नहीं नहीं, वो सब तो ठीक है, लेकिन हम क्यों बिलीव करें कि आप 6 से नेक्स्ट ईयर 40 करोड़ जाएंगे? आपके पास परचेज ऑर्डर्स इन राइटिंग है? इसी साल की बात है, एक बहुत बड़े रियल स्टेट डेवलपर बैंगलोर के टॉप 5 में आते हैं। सारा नेगोशिएशन, सारा सब कुछ राउंड खत्म हो चुका था। उनका एक बड़ा छोटा सा प्रोजेक्ट था जिसका ऑर्डर वैल्यू था करीब करीब 5.5 करोड़ रुपए। सारा नेगोशिएशन, सारा राउंड क्लियर हो चुका था। अल्टीमेटली हमें इस बेसिस पे प्रोजेक्ट नहीं मिला क्योंकि उनको चाहिए था एक सर्टिफिकेशन गवर्नमेंट एजेंसी से कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसको यूज करके, क्योंकि वो एक पब्लिक एक्सेस रोड भी होने वाला था। फॉर दैट वी नीड दैट। अब वो जो सर्टिफिकेशन है उसके लिए एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, उसमें हमें करीब करीब 1 किलोमीटर का रोड बना। बट आंसर टू हर क्वेश्चन इज नो, राइट? कि ऑर्डर बुक इन राइटिंग नहीं है। ऑर्डर बुक इन राइटिंग नहीं है बिकॉज़ ऑफ दिस रीजन। दैट्स ऑल आई वांटेड टू नो। दैट्स ऑल शी वांटेड। ठीक है सौरभ, डॉक्टर प्रताप, सॉरी मैं आउट हूं। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपसे पूछने के लिए कि आप 10 करोड़ से 5 करोड़ पे आ गए और 5 करोड़ से आप 250 करोड़ की वैल्यूएशन, 5 करोड़ आपका जितना रेवेन्यू नहीं है उतने की आस लेके आए हैं। मैं प्रोडक्ट भी नहीं समझना चाहता। इतनी बड़ी बड़ी इनोवेशंस देख ली मैंने शार्क टैंक में अभी बैठे हुए, तो 300-350 पिच देख चुका हूँ 3 साल में, उसी ने भी ऐसी वैल्यूएशन नहीं मांगी, अनफॉर्चुनेटली। चलिए सौरभ एंड डॉक्टर प्रताप, ऐसा करते हैं, आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देके, बिना हम आपको डिस्टर्ब किए, आपका प्रोडक्ट के बारे में
थोड़ा सा सुन लेते हैं विदाउट जजिंग द वैल्यूएशन एंड कीपिंग दैट आउट ऑफ पिक्चर राइट नाउ। मैं आपको डिफरेंशिएटर बताता हूँ कि हम जो ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारे रोड्स 25% सस्ते जो हैं वो कैसे बनते हैं, क्योंकि आप स्टील यूज नहीं कर रहे। दो चीजें हैं अनुपम, एक तो आपने बिल्कुल सही कहा हम स्टील नहीं यूज करते हैं, तो ये हमारे रोड का क्रॉस सेक्शन और ये ट्रेडिशनल रोड का क्रॉस सेक्शन। तो अगर आप ये देखिए यहाँ पर जो लेयर्स हैं इनकी थिकनेस जो है हमारे रोड की थिकनेस से ऑलमोस्ट डबल है। यहाँ पे एक स्टील की रीइंफोर्समेंट है और यहाँ पे एक कॉन्क्रीट का जो लेयर है। अब ये इतना थिकनेस क्यों होता है, क्योंकि लोड जो चाहिए होता है ट्रैफिक, जो भी जिस ट्रैफिक के लिए बनता है उसके अकॉर्डिंग ये थिकनेस डिराइव होता है। अब हमारे केस में अगर आप ये देखिए तो हमारा जो थिकनेस है इसे कंपैरिजन में 50% है। क्यों? क्योंकि ये हनीकॉम जो डिजाइन है। अब इसकी खासियत क्या है कि अगर इस पे पॉइंट लोड आता है तो ये लोड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अक्रॉस द पैनल, तो हमारे रोड्स खूबसूरत भी दिखते हैं। ये फाइनल व्यू है रोड, ये फाइनल व्यू है। यस, हम 80% कार्बन एमिशन का रिडक्शन करते हैं जो कि इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा होता है। अभी तक हमने 1500 टन का कार्बन एमिशन रिडक्शन किया है जबकि अभी हम सिर्फ 5 किलोमीटर का ही रोड बनाए हैं। डेवलपर से ये भी इंटरेस्ट आया कि देखो हमारा जब कंस्ट्रक्शन होता है वहां पर एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, कंस्ट्रक्शन के टाइम पे हम रोड नहीं बना सकते क्योंकि वहां पे हैवी व्हीकल मूवमेंट होती है और फिर वो रोड्स टूट जाते हैं, तो उनके लिए डबल इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर डिले होता है तो एनी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट वहां पे एक बहुत बड़ा लॉस होता है, तो उनको चाहिए टेम्पररी एक्सेस रोड। एंड दिस इज गोइंग टू बी इंडियाज फर्स्ट रेंटल रोड प्लेटफॉर्म, वी आर गोना सेल रोड्स ऑनलाइन। यहाँ पे एडवांटेज क्या है कि आपको पता है कि आपने सिर्फ एक सप्ताह के लिए, एक हफ्ते के लिए बस रोड चाहिए, आपने इसको लगाया फ्लैट सरफेस पे, आपने अपनी गाड़ी चलाई, आपको जरूरत नहीं है, आप हमें वापस कर सकते हैं। What is the base on which it will hold the temporary route? JCB लगा के उसको बस आपको समतल कर देना है सतह को, उसके बाद इसमें आप लगा के कोई भी गाड़ी चला सकते हैं। पर अगर एग्जिस्टिंग रोड है जिस पे गड्ढे आ गए हैं, मैं उसको रिपेयर करके इसको ऊपर नहीं इसके लिए नहीं, फिलहाल फ्रेश परमानेंट कंस्ट्रक्शन के लिए यूज कर रहे हैं। हमारे कुछ इन्वेस्टमेंट है ऐसे उसके ऊपर लगा सकते हैं गड्ढे यू आर नो लॉन्गर पॉटहोल राजा। पॉटहोल राजा स्टिल एग्जिस्ट फॉर ऑल द पब्लिक रोड्स। हमारा फोकस है, जब इनिशियली व्हेन वी स्टार्टेड पॉटहोल फिक्सिंग वाज अ वॉलंटियरिंग एंड सिटीजन एंगेजमेंट एंड CSR फॉर एम्प्लॉय एंगेजमेंट। तो आप कंपनी से या एंटरप्राइजेस से पैसे लेते हो और पॉटहोल्स फिक्स करवाते हो, कौन सी सिटीज में? अक्रॉस 30 सिटीज 35,000 पॉटहोल्स वी हैव फिल्ड। एनुअल रेवेन्यू इसका कितना है? लास्ट ईयर हमने किया था उसमें 4.5 करोड़ के आसपास। This year कितना करोगे? Around 2.5 crores. Sorry यार, 4.5 करोड़ and 5 करोड़ अलग अलग है। 4.5 करोड़ का जो हमारा रेवेन्यू रहा है उसमें 2 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो हमारा CSR से और 2 करोड़ का रेवेन्यू जो है ग्रेट मैक्स से। अच्छा, तो सब मिला के है? सब मिला के जी। ये जो हनीकॉम स्ट्रक्चर की बात किया तो ये तो जानी बात है कि हनीकॉम स्ट्रक्चर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, तो ऐसा मैं मान ही नहीं सकता कि किसी ने इसके बारे में सोचा नहीं, तो और कोई रीजन होगा कि ये रोड्स में यूज नहीं हो। एज ऑफ नाउ ना द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मटेरियल साइंस में इनोवेशन नहीं है, दैट्स व्हाई वी गॉट अ पेटेंट फॉर दिस एज वेल। क्या पेटेंट है आपके पास? डिजाइन एंड प्रोसेस का पेटेंट। कहां पर? इंडिया में? इंडिया एंड PCT आल्सो। तो आप बोल रहे हैं यूरोप की सड़कें ऐसी नहीं बन रही है? नहीं बन, तो वो क्यों इतनी रोबस्ट है? वहां तो कभी पॉटहोल नहीं देखा। बट दैट इज वेयर द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का फोकस है। अगर यू हैव अ क्रैक 3 to 5 years में रिपेयर करना है तो ये एक लेयर रिमूव करके देन मिलिंग करके बाद में एक और लगाते हैं, यहाँ पे ऐसे नहीं है। और US में भी वैसे करते? US में भी ऐसे कर जगह। अभी आपके रोल्स, आप co-founders हैं, क्या है? Co-founders. Equity कैसे स्प्लिट है? मेरा 52 है। हाँ जी। I have 10% equity. My wife has 15 and Dr. Kalpana, who is also an ex-colleague of mine, उसका 10% है। और आपका वाइफ का क्या रोल है? She manages overseas accounts and compliance and Dr. Kalpana oversees HR and people's. And वो क्यों नहीं आए since वो actively काम कर रहे हैं दोनों? वो दोनों active नहीं है, backend support है। तो बाकी किसकी है फिर? 10% ESOP को allocate करके रखा है। अच्छा। 3% हम Brigade Reap Accelerator Program incubated है। 3% हमारा ब्रिगेड ग्रुप के पास है। अगर इतना अमेजिंग प्रोडक्ट है, सस्टेनेबिलिटी भी है, इनोवेटिव एंड फर्स्ट इन द वर्ल्ड है, तो यूजुअली ऐसे प्रोडक्ट एक्सपेंसिव होते हैं। आपका तो 25% चीपर भी है। बिल्कुल। राइट? तो ये तो इट शुड हैव एक्सप्लोडेड इन सेल्स। यस। क्यों नहीं हुआ? बड़े प्रोजेक्ट्स की जब बात होती है जिसका प्रोजेक्ट वैल्यू 10 करोड़ से ऊपर है, वहां पे कुछ एक सर्टिफिकेशन चाहिए होता है जिसको लेने के लिए हमें करीब करीब 2 से 2.5 कितना इन्वेस्ट करना है? करीब करीब उसमें 2 से 2.5 करोड़ रुपए लगेंगे। और कितना टाइम लगेगा? 1 साल का टाइम लगेगा। तो बैंक लोन लेके यू कुड हैव एक्सप्लोडेड द मार्केट और प्री ऑर्डर्स लेके आ सकते थे ना? पीओस लिखे हुए नहीं है कि हमारे पास है कि आपसे करेंगे। लिखा नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। वर्बल मींस नथिंग। यू नो आई एम आउट, आई रिस्पेक्ट द फैक्ट कि आप कुछ अच्छा करने निकले,
Because genuinely, potholes in this country mein bahut bada issue hai. My problem is ke business acumen bahut important hota hai in founders. I cannot put my money in a business just on hope, aspiration, some positive dream. I don't see visibility for a 250 crore valuation. Work on yourself, figure out some business acumen logic. Then aap investor ke paas jaiye is my sincere request to you. Sure. But for today, I'm out. आप कुछ इनोवेटिव कर रहे हैं पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है कुछ जो समझ नहीं आ रहा है बिकॉज अगर प्रोडक्ट अच्छा है देन स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स जो L&T है वो आपकी मदद कर सकते हैं उसके लिए आपको मैं क्या हेल्प करूंगा मुझे नहीं पता यू नीड टू फिगर आउट वाई आपके जो करंट इन्वेस्टर और L&T आपको एडवांस देके ये प्रोडक्ट मार्केट में नहीं उतारेगा देयर इज नथिंग आई कैन हेल्प यू विद तो इसलिए मैं बाहर सौरभ डॉक्टर प्रताप आई थिंक यहाँ पे गेज करना कि ये कितना ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट है थोड़ा मुश्किल होता है सो आई एम ऑल्सो आउट एंड आई रियली होप यू विन बेस्ट ऑफ लक आप बहुत थियोरेटिकल हैं आपको ये पता है कि इंसेंटिव सिस्टम क्या है मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर रोड प्रोजेक्ट्स अगर इसकी रिपेयर ही नहीं जरूरत पड़ेगी तो हाउ विल द कॉन्ट्रैक्टर्स मेक मनी स्टार्टअप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपने पेइंग कस्टमर्स को जानना पेइंग कस्टमर हमारा वो है ही नहीं जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं हमारा पेइंग कस्टमर है प्राइवेट रियल स्टेट बिल्डर्स डेवलपर्स अगर एयरपोर्ट्स बन रहे हैं हमारी करेंटली GMR के साथ ऑलरेडी डिस्कशन चल रही है एक पायलट हमने ऑलरेडी किया हुआ है दे आर इंटरेस्टेड अडानी के साथ एक पायलट हमने ऑलरेडी किया हुआ है तो ये जो प्राइवेट प्लेयर्स है उन्हें अपने रोड्स खराब नहीं चाहिए उन्हें चाहिए कि हम एक बार बनाएं 20 साल तक मेंटेनेंस नहीं करना पड़े हमें और ये एक बहुत बड़ा मार्केट है मुझे लगता है आपको कोई IP बेस्ड इन्वेस्टर जो टेक्नोलॉजी कमर्शियलाइज करना जानते हैं उनके पास जाना चाहिए यहां पर टू गेट 5 crores एट दिस स्टेज इज वेरी डिफिकल्ट यू आर एटलीस्ट अ कपल ऑफ इयर्स अवे बिफोर गेटिंग योर सर्टिफिकेशन एंड टू स्टार्ट एस्टैब्लिशिंग अ बिजनेस सो योर सेल्स साइकिल इज गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग तो उस रीजन से मैं आउट हूं चलिए बेस्ट ऑफ लक थैंक यू सो मच